किया उसने खेलना, तो मुझे नहीं लगता था कि ये यू नो 300-400 विकेट लेगा, 500-600 विकेट लेता है। तो आप कह सकते हैं किसी प्लेयर के पास इतना दम है जो लगातार लेता रहे, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बढ़िया। पुराने क्रिकेटर्स की इन्होंने बात की, मेरे जहन में सिर्फ एक ही पुराना क्रिकेटर आता है जो है वो विनू मनकट, जो उनके पास थी शायद मैंने किसी ऑलराउंडर के पास नहीं देखा, बैटिंग करने की एबिलिटी और गेंदबाजी करने की एबिलिटी। तो मेरे हिसाब से तो वो कोई भी टीम बने मैं उनको अपनी टीम में रखना चाहता हूं। यानी ये इंडो पाक 11 अगर बनती, कपिल देव, इमरान खान, सचिन तेंदुलकर, नहीं नहीं आप तो हैं ही टीम में, इमरान खान, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, जहीर अब्बास, धोनी, अकरम, ये सब एक टीम में आते तो दुनिया को हराते कि नहीं? राहुल द्रविड़ भी है, राहुल चलिए बहुत सकते बहुत नाम है, बहुत बाहर रह गए हैं कई और। देखिए अब्दुल कादर को ना अंडरएस्टिमेट करें, क्योंकि अब्दुल कादर अनफॉर्चुनेटली वो तब खेला जब फ्रंट फुट पे कोई लेग स्पिनर को आउट नहीं देता था। अब जो मैंने शेन वॉन को विकेट लेते देखी हैं, और मैं यहीं था वर्ल्ड कप में, आपके बल्कि आपके साथ ही थे जब विव रिचर्ड्स भी थे और राणा टुंगा भी थे, तो विव रिचर्ड्स और राणा टुंगा दोनों ने मुझे कहा कि अब्दुल कादर शेन वॉन से बेहतर बॉलर था। शेन वॉन को फ्रंट फुट पे LBW मिलता था, अब्दुल कादर को कभी मिला ही नहीं LBW। और अब तो रेफरल सिस्टम जो आ गया है, इससे तो अब्दुल कादर की विकेटें पता नहीं कहां से कहां होती। दो आखिर में दो सवाल, एक वहां जी जी लीजिए, माइक लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल बहुत छोटा सवाल है इमरान खान नियाज़ी से कि पाकिस्तान के अंदर वो डेमोक्रेसी का क्या फ्यूचर देखते हैं? डेमोक्रेसी का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, और है ही फ्यूचर डेमोक्रेसी का, क्योंकि पाकिस्तान में एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से एक अवाम में कंसेंसस हो गई है कि डेमोक्रेसी के अलावा कोई सिस्टम नहीं है। इमरान इस पर लेक्चर देंगे, इस पर पूरे इश्यू पर एक क्रिकेट का आखिरी सवाल अगर किसी के सामने हो। यस मिस्टर भट्टाचार्य, आप लॉयर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर इन द वर्ल्ड, वेदर डॉन ब्रैडमैन और गारफील्ड सोबर्स, I read one of the two, the ये greatest ever in the world. बंगाली पूछेगा about 60 years ago, but ठीक है चलिए। मैंने तो दोनों को नहीं देखा, नहीं ब्रैडमैन को तो नहीं देखा, गैरी सोबर्स की आखिरी गेम थी, मेरी पहली थी, और हालांकि मैंने उसको आउट कर लिया, लेकिन मैं फील करता हूँ कि गैरी सोबर्स जिन्होंने देखा है, सब कहते हैं कि गैरी सोबर्स जैसा कोई ऑलराउंडर आया नहीं, लोग तो कहते हैं ऐसा क्रिकेटर ही नहीं आया, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उनको पीक पे नहीं देखा, लेकिन मेरे जमाने में अगर बैट्समैन मैं कहूंगा तो वो विव रिचर्ड्स बाय फार सबसे बेहतर, जो मेरा एरा था। और बॉलर मैं कहूंगा जो सबसे मुश्किल बॉलर मैंने देखा, माइकल होल्डिंग। एक आखिरी सवाल गौरव, वन लेडी, यस गौरव, लेट लेडीज मस्ट आस्क यार बिफोर यू। नेचुरली मेरे से तो हो नहीं सकता।